जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीटेट 2019 के बारे में, बात करेंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड के संबंध में बात करेंगे, साथ में आपकी एग्ज़ाम डेट के संबंध में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि सीटेट से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर और साथ में जो पिछले वर्षों के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सभी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में हमारे लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट 2019 अभी तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी अपडेट यहां पे नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही CBSE इस संबंध में कोई अपडेट जारी करने वाला है। बताया जा रहा है कि इस सप्ताह एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है वे ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NIC.IN के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 7 जुलाई को एग्ज़ाम 2 सेशन में आयोजित होगा। पहला पेपर आपका सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा, वहीं दूसरा पेपर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE देश के 97 शहरों में 20 भाषाओं में सीटेट परीक्षा, असम, बिहार के राज्यों में अधिक शहरों को यहाँ पर जोड़ा गया है भारी संख्या होने के कारण आवेदनों की, और असम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोराहाट और सिलचर, बिहार के भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली, राजस्थान में भी बीकानेर को शामिल किया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो निश्चित है, 7 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब तक चेंज हो सकती है या फिर चेंज होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज। आप CTET.NIC.IN पर जाना है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद में सीटेट एडमिट कार्ड लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और अब जो भी आपसे जानकारियां मांगी गई है वो आपको भरनी है और आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और इसे परीक्षा में ज़रूर लेकर जाएं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में आपको ज़रूर से एडमिट कार्ड लेकर जाना है, साथ में आपके पास में आधार कार्ड या फिर कोई भी ID होनी चाहिए जिसमें आपके फ़ोटो हो, जिससे आपकी आसानी से पहचान की जा सके। तो 7 जुलाई को निश्चित रूप से आपका एग्जाम होगा। सीटेट की हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।